नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम जो बात करने वाले हैं YouTube के चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सेटिंग्स है YouTube का, वो है आपका ब्रांडिंग वाटरमार्क। ये आपके जो है सो वीडियो जब आप कंप्यूटर से देखते हैं तो आपके जो है सो राइट साइड में आता है, वीडियोज़ के जस्ट राइट साइड में। और वहाँ पे अगर किसी यूज़र को मन हुआ तो वहाँ पे क्लिक करके जो है सो आपका जो है सो चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, बेसिकली यही है। तो इसको इनेबल करने के लिए आपको चैनल पे जाना है सबसे पहले, अपने यूट्यूब अकाउंट के चैनल पे। अरे खुल जा भाई। हाँ, उसके बाद जो है सो चैनल पे जाने के बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ ब्रांडिंग, इस पे जाना है, क्लिक करना है। और ये आ गया, ब्रांडिंग मेरा पहले से सेट है तो जो है सो यहाँ पे ये दिखा रहा है। नहीं तो आप जो है सो यहीं पे आप जो है सो ब्रांडिंग लगा सकते हैं। अगर हम रिमूव कर दें इसको, जैसे मैं बाद में लगा लूँगा, अगर अति मतलब एग्जांपल के लिए देखा जाए तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। हाँ, तो यहाँ पे जो है सो एड वाटर मार्क ऑप्शन आया, एड वाटर मार्क। और उसके बाद यहाँ पे जो है सो आप क्लिक करके जो है सो ऐड कर, हाँ ये आया चूज फाइल। और चूज फाइल में क्लिक करने के बाद जो है सो फाइल खुल जाएगा। उसके बाद जो है सो आप कोई भी जनरली यूज़ कीजिएगा PNG। PNG जो है सो ट्रांसपेरेंसी के लिए बेस्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी के लिए उसको माना जाता है। और JPG ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, या PNG या GIF यूज कर सकते हैं आप। लिखा हुआ है रिकमेंडेड फाइल फॉर्मेट जो है सो PNG या GIF, तो जो है सो ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं बाद में लगा लूँगा। और ये क्या करता है इसके लिए अब आपको दिखाते हैं ये क्या करता है एक्चुअली में। YouTube खोल लिए। किसी भी फेमस वीडियो पे जाना है अभी हमको, जैसे कि टी सीरीज। गाना प्ले नहीं करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ये सब्सक्राइब का बटन है, यही यही है, यही जो है आपका जो है सो आ जाता है। उसके बाद अगर आप जो है सो यहाँ पे ब्रांडिंग सेट कीजिएगा तो ब्रांडिंग वाटरमार्क, यही जो है सो आपका यहीं पे आ जाएगा। ये जब यहाँ पे हवर किए तो आ गया ना सब्सक्राइब, और मैंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो जो है सो दिखा रहा है सब्सक्राइब। तो यही इसी बटन की बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट सेटिंग है, नेक्स्ट सेटिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट सेटिंग है हमारा कस्टम URL। कस्टम URL है जब आपका 100 सब्सक्राइबर मतलब जब हो जाता है, रुक जाइए हम आपको बताते हैं अभी। ये रहा आपका कस्टम URL। तो जब आपका 100 जो है सो सब्सक्राइबर हो जाएगा तो उसके बाद ये जो है सो इनेबल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो जो है सो आप जो है सो क्लेम कर सकते हैं कि ये जो है सो मतलब URL कस्टम URL। देखिए इस पर जैसे मेरा क्लेम किया हुआ है उत्सव निशांत, और उत्सव निशांत के नाम का कोई और था भी नहीं। और बहुत बार होता है कि अगर आप कोई कस्टम URL क्लेम कीजिएगा तो जो है सो पहले से जो है सो अवेलेबल मतलब अवेलेबल नहीं होता है, तो जो है सो आपको ऐसा नाम चुनना पड़ेगा कि वो जो है सो पहले से अवेलेबल ना हो। तो ये जो है सो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, इसलिए आपको चैनल ऐसे नाम से बनाना चाहिए जो नाम पहले अवेलेबल ना हो, इसलिए जो है सो इससे फ़ायदा होता है। तो जो है सो मेरा देख सकते हैं पहले से क्लेम किया हुआ है उत्सव निशांत। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको खुल जाएगा मेरा चैनल। देख सकते हैं मेरा चैनल खुल गया। और देख सकते हैं यहाँ पे चैनल है, उसके बाद जस्ट उत्सव निशांत लिखा हुआ है। बहुत सारे चैनल में यहाँ पे अलग अलग मतलब कोई कैरेक्टर होता है, WC ऐसे करके करके जो है सो कुछ कैरेक्टर होता है। जैसे कि हम आपको एग्जांपल के लिए किसी का चैनल दिखा दें, किसी ऐसे आदमी का चैनल देखना होगा जो जनरली जो है सो क्या कहते हैं जो है सो कस्टम URL मतलब सॉरी हाँ कस्टम URL लगाया ना हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक याद है हमको इस लड़के का चैनल है, पता नहीं खुलेगा कि नहीं, लगाया है या नहीं कस्टम URL। हाँ, इसका चैनल देख सकते हैं आप, ये WCYKLS जो भी है ये लिखा हुआ है, इसी की जगह आपका नाम आ जाएगा। जैसे कि मेरे में नाम है, इसमें WCY है करके, मेरे में नाम है सी उत्सव निशांत है, अरे बंद हो। हाँ, तो मेरे में नाम है, तो यही है कस्टम URL बेसिकली, और कुछ नहीं है। और कस्टम URL के बाद आ जाता है हमारा चैनल कीवर्ड। तो चैनल कीवर्ड भी जो है सो लगाना जो है सो बहुत ज़रूरी होता है। चैनल कीवर्ड लगाने के लिए आप चैनल में जाएंगे, उसके बाद एडवांस में जाएंगे, एडवांस में क्लिक करेंगे। ये तीसरा सेटिंग है हमारा। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है चैनल कीवर्ड। चैनल कीवर्ड में मेरा सिर्फ उत्सव निशान लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि
आप बहुत सारा लिख सकते हैं आपको जो मर्जी, और मेरा सिर्फ उत्सव निशान लिखा हुआ है क्योंकि मेरा चैनल जो है सो एक बार में ही रैंक करता है यूट्यूब पे, दिखा देते हैं आपको मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरा चैनल जो है यूनिक नाम से बना हुआ है, तो एक बार में ही सर्च करते हैं उत्सव निशान तो ऊपर में ही आता है। उत्सव निशान सर्च कीजिएगा तो मेरा ही चैनल सबसे ऊपर आएगा, ये देखिए मेरा ही चैनल सबसे ऊपर आया। तो इसलिए जो है सो हमको ज़रूरत नहीं पड़ा कुछ जो है सो कीवर्ड डालने का, कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड डालने का, और इसलिए मेरा उत्सव निशान से ही काम चल गया। उसके बाद आ जाते हैं चैनल प्लेलिस्ट। चैनल प्लेलिस्ट में जो है सो आपको जो है उस प्लेलिस्ट की बात करें, बता रहे हैं किस प्लेलिस्ट की, अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाना करने का मतलब, बहुत से लोग होते हैं जो प्लेलिस्ट ओपन करके जो है सो देखते हैं, तो अगर आपका प्लेलिस्ट रहेगा तो आपका वीडियो कैटेगराइज रहेगा, और अगर यूज़र को जो है सो आपके प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो भी देखने का मन हुआ तो वो देख सकेगा। और अगर आप बहुत बार होता है कि अगर आपका प्लेलिस्ट नहीं बना है तो कोई वीडियो कहीं और है, कोई वीडियो कहीं और, यूज़र को इसमें तकलीफ़ होता है देखने, और बहुत यूज़र ऐसे भाग भी जाता है, देखता भी नहीं है और जो है सो खिसक लेता है वहाँ से। तो ऐसे में जो है प्लेलिस्ट जब बना रहता है तो यूज़र को जो है सो मतलब देखने में आसानी होता है कि मतलब एक प्लेलिस्ट का एक वीडियो देखा और अगर दूसरा भी पसंद आ गया तो दूसरा भी देख लिया। तो यही था चार सेटिंग जिससे कि आप जो है सो आपका जो है सो चैनल बहुत जो है सो ग्रो करने में एक जो है सो मदद करेगा आपका बहुत ज़्यादा। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा वीडियो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।